हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज आप देखिए, ये जो है एलईडी टीवी है, चाइना एलईडी टीवी जो है, इसकी जो स्टैंड बाई एलईडी है लगातार ब्लिंक कर रही है। ठीक है, लगातार ब्लिंक कर रही है और टीवी जो है ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इस टीवी में आपने देख लिया कि पावर सप्लाई अलग से नहीं लगी हुई है। ठीक है, इसमें जो है अलग से एडाप्टर से सप्लाई दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टीवी को ऐसे ही असेंबल कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई से और एडाप्टर से होगा। ठीक है, तो मैं अब उस एडाप्टर को देखता हूँ कि आखिर उसमें क्या दिक्कत है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। फिल्टर कैपेसिटर सही नहीं होने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो पहले मैं 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर क्या दिक्कत है। 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या सप्लाई तो बन रही है लेकिन एम्पियर सही नहीं है। ठीक है, देखिए 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट की सप्लाई जरूर बन रही है, इसका मतलब इसमें एम्पियर सही नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि इसमें जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है ये खराब हो। ठीक है, सबसे पहले आप, और ये दिख रहा है कि भाई ये फूला हुआ है, देख रहे हैं, इसका मतलब इसका कैपेसिटर ब्लास्ट हो सकता है। और देखिए, ठीक है, कैपेसिटर जो है बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है, जिसके कारण वोल्टेज का सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से टीवी बार बार ऑफ ऑन और ऑफ ऑन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप देख लीजिए, ठीक है 22 माइक्रोफेराड का और 400 वोल्ट है। तो 22 माइक्रोफेराड का है तो 22 है 50, 50 22 से 50 के आसपास आप माइक्रोफेराड का डाल सकते हैं। दूसरा 400 वोल्ट है तो 500 वोल्ट तक भी आप डाल सकते हैं, 400 से कम नहीं लेकिन 400 से थोड़ा ज़्यादा जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मार्केट से सेम वैल्यू का खरीद लीजिए। अगर मार्केट में आपको नहीं मिला तो आप पुराने डीटीएच के पावर सप्लाई से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको सेम वैल्यू लगा हुआ है 47 माइक्रोफेराड का और 450, और इसमें लगा हुआ है आपको 450 वोल्ट और 22 माइक्रोफेराड। मैं यही लगाता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर को यहाँ से निकाल देना है और सेम जिस तरह लगा हुआ है उसी तरह का लेग्स का ध्यान देते हुए फिर से आपको लगा देना है। ठीक है, ये जो है ये माइनस सिरा है, ठीक है, और इसमें जो था, ठीक है, ये निकल चुका है। तो आप कन्फ्यूज होंगे कि माइनस सिरा कहाँ है, तो मैं उसको लिए भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि माइनस सिरा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस ही रहा है इस साइड, ठीक है, तो माइनस वाला पिन उधर जाएगा और प्लस वाला इधर आएगा, इसका मतलब ये जो है ऐसे माइनस है, इस तरह इसको लगा देना है। ठीक है, सही से लग गया है। ध्यान दें आप बहुत ऊंचा ना लगाएं, ताकि क्या होगा अगर ऊंचा आप लगाएंगे तो फिर ये बैठने में दिक्कत करेगा, इसका जो कवर है वो सही से नहीं आ पाएगा। ठीक है, इतना ही पे रखकर मैं एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अभी भी ब्लिंकिंग इसमें बना हुआ है, ये कैपेसिटर बनने वाला, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये भी कैपेसिटर जो है आपका ये भी फूल चुका है। देखिए, तो आप इसको भी रिप्लेस करके देखें, मैं इसको भी रिप्लेस करके दिखाता हूँ। देखिए नीचे तरफ से ये ज़्यादा डैमेज दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जबकि ये कैपेसिटर आपका सही है लेकिन ये कैपेसिटर नीचे से ज़्यादा गड़बड़ है। मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर भी खराब हो चुका है, तो इसकी वैल्यू है 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेराड, तो आपको भी सेम वैल्यू के आसपास का लगाना होगा। देखिए मैं भी डीटीएच पावर सप्लाई की किट से ही लगा रहा हूँ, इसमें भी सेम वैल्यू का भी लगा हुआ है 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेराड। तो आप पुराने पार्ट्स को रखें, पुराने पीसीबीज को, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, न तो एक एक पार्ट्स खरीदने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा या फिर अच्छा खासा स्टॉक लगाना पड़ेगा। तो फिर उसी तरह इसका जो माइनस है इस साइड लगा देना है आपको, इधर साइड माइनस इधर साइड जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से लग चुका है। अब फिर से मैं सप्लाई देके एक बार फिर से चेक करता हूँ।
देखिए फिर से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए अब डायरेक्ट एलईडी जो है, जो स्टैंड बाय एलईडी है, अब लगातार ग्लो कर रही है। अब मैं इसके स्विच को पावर को प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।